जम्मू कश्मीर के अरनिया और आरसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से रात भर फायरिंग की गई, जो अब भी रुक रुक कर जारी है। भारत के आगे की चौकियों और रिहायशी इलाकों को बनाया गया है निशाना। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। एबीपी न्यूज के पास बीएसएफ की कार्रवाई का वीडियो है, जिसमें अरनिया सेक्टर से दिए गए जवाब में पाकिस्तान की चौकियां तबाह होते हुए दिख रही है। ये देखिए, ये टावर आप देख पा रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है, ये पाकिस्तान का टावर है। बीएसएफ की गोलाबारी में पाकिस्तानी चौकियों पर लगे टावरों में आग लग गई है, जो कि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। मुकेश पोस्ट ने, मुकेश पोस्ट जिंदाबाद, मजा आ गया। भारत माता की जय, ये भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय, मुकेश पोस्ट की जय। बिल्कुल उड़ा दी, बिल्कुल मजा आ गया। धजिया उड़ा दी ना मुकेश पोस्ट ने, मुकेश पोस्ट जिंदाबाद, मजा आ गया। भारत माता की जय। और एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाजलू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीएसएफ की तरफ से करारा जवाब दिया गया है, एक बार फिर पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, बीएसएफ, क्योंकि कल हम अरनिया सेक्टर में हैं और ये कल बताया जा रहा है 10 और 11 बजे के बीच की तस्वीरें हैं, जब वहां पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी और वहां पर लगातार पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। अब आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है ये अरनिया सेक्टर का ही है और बताया ये जा रहा है कि एक सर्विलेंस टावर था पाकिस्तानी रेंजर्स का, और इस सर्विलेंस टावर पर कुछ ही दिन पहले जो कुछ एक इक्विपमेंट भी लगाए गए थे, जिनसे न सिर्फ बीएसएफ की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी पाकिस्तान से, बल्कि जो वहां पर गांव किस तरह से है, किस गांव में कितने घर हैं, गांव में चहलकदमी कैसी है, इस सब पर भी नजर रखी जा रही थी। और कल जो बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की है उसमें ये जो सर्विलेंस पोस्ट है पाकिस्तान की, ये पूरी तरह से जो है तबाह हो गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि कल बीएसएफ ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान की करीब आधा दर्जन लोगों की वहां पे जाने गई है और कई लोग, काफी सारे लोग घायल हुए हैं। तो ये एक ताजा वीडियो है कल का, इसमें आप बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को हुए नुकसान की तस्वीरें देख सकते हैं। जी जी अजय, आप नजर बनाए रखें, हम फिर से रुक करेंगे आपका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारी नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की चौकियों पर जो टावर्स लगे उन पर भी आग लग गई है, और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा एक्सपर्ट जनरल के सिन्हा। जनरल सिन्हा, रमजान के महीने में भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि सिविलियंस को भी निशाना बनाता है? देखिए, पाकिस्तान आज के दिन में बहुत ज्यादा रेटल्ड है, क्योंकि एलओसी के ऊपर में जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारी है वो एब्सोल्युटली 100% जीरो टॉलरेंस के अंदर में पूरी की पूरी उसकी रोक लगा दी है। उसके 300 से 400 आतंकवादी डिफरेंट लॉन्च पैड्स में, स्पेशली जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर किसी हालात को देख रहे हैं कि किसी तरह अंदर आ गए। उसके लिए पाकिस्तान आर्मी उनको एक कवर फायर देने के लिए फायर करता है, वहां वो कामयाबी नहीं है तो वो उसको एक्सटेंड करके साउथ की तरफ, जहां अरनिया है, जम्मू का इलाका, इस प्लेन इलाके से भी वो ट्राई कर रहा है। मगर देखिए, हमारी जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से हुई है और इसमें आप देखिए जितने सर्वेलेंस टावर्स हैं, इन टावरों के ऊपर में नंबर ऑफ टावर्स होते हैं, अभी उसके ऊपर में वो इक्विपमेंट लगाई है, पर जो हमारी जवाबी कार्रवाई है वो एक्यूरेसी के ऊपर में है। अभी हमने मोटर लोकेटिंग रडार, जहां से भी फायर आता है हम उसको लोकेट करते हैं और हमारी रिस्पांस जो है टेक्नोलॉजी के अनुसार एब्सोल्युटली डायरेक्ट फायर करके और उसको तबाह कर रही है। मगर पाकिस्तान अपने जनता को एड्रेस करने के लिए वो ये खूनी खेल खेल रहा है, इसकी मुंह तोड़ जवाब इतनी ज्यादा सख्त होगी कि आने वाले समय में पाकिस्तान की जो पनिशमेंट है, और यही जब हम पनिशमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे तब जाकर के हम उसको काउंटर करने में पूरी कामयाबी ले लेंगे। जी, लेकिन जनरल सिन्हा, पाकिस्तान का जवाब आखिर क्या है? हम देखते हैं बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान घबराकर रहम की भीख भी मांगता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, रक्षा एक्सपर्ट जनरल
के सिन्हा जो कि हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान दरअसल अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करता है और भारत की तरफ से जिस तरह लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है यही वजह है कि बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और रुक रुक कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। लेकिन बीएसएफ ने भी दिया है मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।